नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अभी कल आपका एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल, टीजीटी मेडिकल का, तो उसके जो है मेडिकल के आपके जीके सेक्शन का जो है आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं आपके सीरीज के हिसाब से, तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर देखकर जो है मैच कर लें। फर्स्ट है, बाबर के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो बाकी ये तीनों युद्ध जो है उस टाइम हुए थे बाबर के टाइम। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर के साथ हुई थी, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, मध्य भारत में तात्या टोपे तथा झांसी की रानी को हराने वाला ब्रिटिश जनरल था? तो इसका सही आंसर है सी, कैंप बेल। तो इन्होंने जो है इनको हराया था। नेक्स्ट है, द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया। तो इसका जो है टॉप में जो है वो है गुवाहाटी, लेकिन जो है सेकेंड नंबर पे आपकी कश्मीर वैली है, तो इसका आंसर होगा कश्मीर वैली। नेक्स्ट है, टोर्नेडोज विच फॉर्म एट सी आर कॉल्ड। तो टोर्नेडो जो है जो जो है आपका समुद्र पे बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, वाटर स्पॉट्स, जल स्तंभ। नेक्स्ट है, 111, कैरेबियन ओशन करंट बिलोंग्स टू। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। तो आपका कैरेबियन ओशन जो है इसका जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में पड़ता है, बाकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, 112, आपका द जुम्मा ट्राइब इज़ फाउंड इन। तो जुम्मा प्रजाति जो है आपकी, इसका सही आंसर है ए, अमेज़न बेसिन। तो नेक्स्ट है, 113, ग्रास लैंड्स इन ब्राज़ील आर नोन एज। तो इसका सही आंसर है पैम्पस। तो आपका ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में आता है, और साउथ अमेरिका में जो है इसको पैम्पस बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, 114, गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर। तो इसका सही आंसर है सी, पर्ल फिशिंग, मोती प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करते हैं, तो इसका सही आंसर है वो है बी, राजमहल पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, 116, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र डज गोदावरी राइज। तो गोदावरी जो है स्टार्ट महाराष्ट्र में कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर है बी, नासिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया हैज़ मॉडेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो एक समान टेम्परेचर आपको पता ही है बेंगलोर में रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज नॉट अ पेरिनियल कैनाल। तो इसका सही आंसर है सी, बीकानेर कैनाल। नेक्स्ट है, द डीजल लोकोमोटिव इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है आपके बनते हैं, इसका सही आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। 120 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है कोटा। बाकी हर जगह मोदी नगर काफ़ी फेमस है, और कानपुर भी है, लेकिन कोटा में नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, विच मिरर इज़ यूज्ड फॉर शेविंग मिरर। तो पिछली वीडियोस में भी आपको जो है मैं ऐसे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आप जो है पुरानी वीडियोस भी मेरी देख लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो इसका सही आंसर है आपका कनकेव मिरर। तो बता दूं कि कन्वेक्स मिरर सिर्फ जो है गाड़ियों में पीछे देखने के लिए लगता है, और जो है आपका बाकी हर जगह, मैक्सिमम जगह आपका कनकेव ही लगता है, तो इसका सही आंसर है कनकेव मिरर। नेक्स्ट है, 122,
विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो इसका सही आंसर है डी 10वीं। नेक्स्ट है द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन मोस्टली डिपेंड्स अपॉन। तो इसका सही आंसर है सी रिसोर्सिस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उसके कमेंट को मैं पिन करके रखूँगा ताकि जो है जो भी आने वाले बच्चे वीडियो देखेंगे उसको जो है समझ आ सके। नेक्स्ट है हु ऑफ़ द फॉलोइंग वॉज अ मेम्बर ऑफ राज्यसभा एट द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर 124। तो इसका आंसर है चरण सिंह। नेक्स्ट है द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाई, तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व तो इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन, तो इसका आंसर है 3 मंथ्स। नेक्स्ट है विच ईयर विच 5 ईयर प्लान इज आल्सो कॉल्ड गडगिल योजना, तो इसका सही आंसर है 3rd 5-year प्लान, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बल्क इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री 128। तो इसका जो है कन्फर्म नहीं है क्वेश्चन, कन्फर्म करके जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट है इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ए CPI। नेक्स्ट आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में डाल दिया है इसमें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट है ये भी रीजनिंग का है। नेक्स्ट 132 मिंगल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर है ए चंबा पांगी में होता है ये, तो सही आंसर है चंबा। नेक्स्ट है राक्षस डांस इज परफॉर्म इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर है किन्नौर। नेक्स्ट है महामाया बाला सुंदरी मंदिर, ये जो है टिक यहाँ पे अलग अलग जगह किया है कुल्लू सोलन, लेकिन इसका सही आंसर है सिरमौर, सिरमौर में जो है बाला सुंदरी टेम्पल है। नेक्स्ट है 135 तारागढ़ पैलेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर है पालमपुर, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 136 गोविंद डैम लक्ष्मण इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इसका सही आंसर है ए तेज दौड़, जो एथलेटिक्स से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 370 जो है आपका भारतीय दंड संहिता की कलम 370 जिसे हाल ही में नाबूद किया है कब लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर है ए 1861। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज़ बिकेम द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी रिलीज इन सऊदी अरेबिया, तो इसका सही आंसर है डी गोल्ड, जो हाल ही में आपकी अक्षय कुमार की मूवी आई थी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन इन हिस्ट्री एज पर द रिसेंट रीडर्स ऑफ BBC हिस्ट्री मैगजीन पोल, तो इसका सही आंसर है बी मैरी क्यूरी। तो इसके बाद जो है आपके कुछ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी के लोगों की प्रमुख चीज़ क्या थी, तो इसका सही आंसर है वीट गेहूँ। तो जो है बाकी की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। नेक्स्ट है 102 द मगध एम्पायर केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर, तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ गुप्त पीरियड, तो इसका आंसर डी हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन डी ही होगा आई होप। तो इसको जो है कंफर्म करके मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। नेक्स्ट है
हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ चालुक्य रूलर्स? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है बृहत कथा कोश इज रिटन बाय, तो इसका जो है आंसर आपका गुणाध्याय है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसका भी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है द टाइटल सिकंदरे सानी वॉज एडॉप्टेड बाय, तो इसका सही आंसर है बी अलालुद्दीन खिलजी। तो बस ये थे आपके क्वेश्चंस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और आने वाले आंसर्स जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या आप कंफर्म है कि इसका आंसर ये है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस के लिए जो है आपके लिए आंसर की मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।